हेल्थ प्लस प्रोग्राम च थोड़ा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानू लैके चल रहे हां सिद्धू हॉस्पिटल दोराहा। सिद्धू हस्पताल दोराहा मरीजां लई इक वरदान है। दूरों दूरों मरीज इत्थे पहुंचदे ने ते अपना इलाज करवाउंदे ने। सारी टीम ने डॉक्टर रविंदर सिंह सिद्धू जी दे नाल गलबात कीती, जो कि MBBS MS MCH ऑर्थोस्कोपिस्ट ने। हड्डियां दे मरीजां दे लई डॉक्टर रविंदर सिंह सिद्धू किसी वरदान तो घट नहीं हैं। समय समय से डॉक्टर रविंदर सिंह सिद्धू जी वालों पंजाब प्लस के दर्शकों के लिए हेल्थ टिप्स मिलते ही रहते हैं। सारी टीम ने डॉक्टर रविंदर सिंह सिद्धू जी के नाल गलबात की। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पर तुहाडा स्वागत है। आज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर रविंदर सिंह सिद्धू, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय तो सिद्धू हॉस्पिटल दराह विखे हज़ारों की गिनती के लोगों जोड़े हड्डियों दीमारियों तो प्रभावित से और उन्होंने जिन्हों के गोडे बदलने से चूल्हे बदलने से जिन्होंने हिप की जी है रिप्लेसमेंट की आप गल कर लीए या उन्होंने इंजरीज की गल कर लीए स्पोर्ट्स इंजरीज की गल कर लीए। डॉक्टर साहब MBBS MS MCH आर्थरोस्कोपिस्ट ने और सेवावान दे रहे हैं सिद्धू हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब स्वागत है साढ़े स्पैशल शो च। नमस्कार रिचि जी, तुहानू दुशहरे दियाँ ते नवे आने वाले मौसम दियाँ बहुत बहुत शुभकामनावां। तो आस आ भी अपनी जो अज गुफ्तगू होगी वो दर्शकों नू बहुत लाभवद रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके नाल तुसी हमेशा साढ़े पंजाब प्लस के नाल दर्शकों नू अवेयर करन दे लई आंदे रहिंदे हो और अज भी बड़ी मुश्किल दे नाल तुहाडे नू तो टाइम लिता सी दो तीन बार गलबात करके फिर तुसी दुशहरे दे दिन चूज़ कराया अज और सानू बड़ी खुशी है कि एक ऐसा डॉक्टर जी ने सेवावान कीतियां और जिहड़े एड्स तो बहुत दूर ने हमेशा इन्होंने कदे अपनी किसी तरह की आप डॉक्टर साहब की एड्स नहीं देखोगे। डॉक्टर साहब ने हमेशा सेवा की हैगी और अपने काम के विश्वास रखते हैं। चेन इन्हों की अपने पेशेंट्स ही ने जोड़े एक बार पेशेंट आ जाता जिन्हें एक बार कोई इन तो सर्विस ले ली है तो वो अगे अगली अगे जी चेन बना। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा सानू समा देने लई। मेहरबानी जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब सानू दसो कि जोड़े चूल्हे की प्रॉब्लम हैगी अज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुसी 90-90 साल के जोड़े जेंट्स या लेडीज़ है उन्होंने भी सेवावान दे रहे हो और यंग ब्लडर्स भी दे रहे हो। की कहना चाहोगे कि जो 90 साल की उम्र हो जाती है चूल्हा टुट जाता, लोग कहें चल कोई गल नहीं यार चूल्हा टुट गया, लेकिन तुम हमेशा ये कहें भी जी लाइफ आ अपन वो बहुत वधिया गुजारनी चाहिए जिन्ना चार जिंदगी है। ये नहीं भी आपू बाथरूम भी उत्थे आए तो आपू स्टूल भी उपर ही करना पवे, बल्कि आप जिनी जिंदगी हैगी जे परमात्मा ने अपन ये बख्शी हैगी तो वधिया तरह गुजारीए। रिचि जी, ये जिहड़ा चूल्हा हैगा ये साडे जो बॉडी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैगा ते जी चूल्हे दी बीमारियां ने यह किसी किसी जवानदरू बच्चों भी होंदिया है ने हज़ार चों एक बच्चा खासकर जिहड़ियां फीमेल्स होंदी पैदा होंदिया है उन्होंने दा चूल्हा उतरिया होया हुंदा जदों बच्चे पैदा होंदे हैगे ने ते हज़ार विचों 10 बच्चे ऐसे होंदे जिन्हां दे चूल्हे शुरू तो कमज़ोर होंदे हैगे ने। बचपन इन्हां विच इन्हां दी डिवेलपमेंटल प्रॉब्लम आती हैगी जदों वो बच्चा गर्भ विच हुंदा है उहदा जिहड़ा हिप जॉइंट दा कप हुंदा हैगा वो खुला हुंदा है वो बंद नहीं हुंदा, सो वो जो हिप जॉइंट बाहर निकल जाता हैगा है उसका इलाज उस वक्त हो जाए तो बच्चा 100% ठीक हो जाता हैगा है। क्योंकि कई बार ये चीज़ नहीं पता लगती बच्चा पैदा होने लगे उस टाइम ख्याल नहीं रखा जाता हैगा तो वो फिर जो बच्चा वड्डा हुंदा है जो तुरन लगता है जो लंग मारता हैगा है उदों देख हुंदा भी ये बच्चे दे कुछ प्रॉब्लम हैगी है। इलाज जिनी जल्दी शुरू होवे उन्नी जल्दी इसका फायदा हुंदा हैगा है ते इलाज बिल्कुल ठीक टाइम सिर होने नाल 100% ठीक होने के भी चांस होंगे है। ये तो गल सी जवानदरू बच्चों की। फिर जो बच्चा कोई बच्चा 5-6 साल का लंग मारना शुरू करता है वो भी कारण होंगे वो ब्लड सप्लाई हैगी है गोली की जी जी अंदर गोली घूमती हैगी है वह बंद हो जाती हैगी है उसका भी इलाज टाइम से कराया जाए तो बच्चे 100% ठीक हो सकते हैं। उस तो अगे आप आने जोड़े अडल्ट होंगे ने 20 साल तो लैके 40 साल तक कुछ कारण करके जी ब्लड सप्लाई हैगी है गोली की वो बंद हो जाती है घट जाती है। वो जे मेन कारण है शराबा ज़्यादा पीना स्टीरॉयड खाने कोई सट लग जानी कोई डिसलोकेशन हो जानी उस तो बाद इनू असी AVN कहने है ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। ये जे शुरू इलाज शुरू हो जाए तो ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक वापस आ सकती हैगी है पर जे कम लेट हो जाए फिर यही जी है जिन्होंने AVN कहने है ये हिप जॉइंट खराब करने लग जाता है तो अल्टीमेटली फिर बहुत सारे पेशेंट सानू हिप जॉइंट चेंज करना पैंदा है।
उस तो बाद आने है जोड़े बजुर्ग हो जाते हैं जो बजुर्ग है उन्होंने या तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर वह जोड़ घस जाता है जिन्होंने असं अर्थराइटिस कहने है या फिर गठिए की बीमारियों भी जोड़ घस जाते हैं। सो इन सब बहुत सारे प्रश्न इस तरह ने कि जिते असी चूड़ा बदलने तो बचा सकते हैं वो ता जो बंदा पहली स्टेज आ जाए पर जो स्टेज लंघ जाती हैगी है वो सानू फिर वह जोड़ा टुट जाए तो बच्चा स्क्रू पाने पैंदे है प्लेटा पानी पैदा ने या फिर अल्टीमेटली सानू वह जोड़ चेंज करना पैदा बदलना कहने है थोड़ा मैं दिखाना किस तरह होंगे है जिस तरह ये चूड़े का जोड़ है अपना सट करके बजुर्गों में क्योंकि हड्डी कमज़ोर हुई होंगी हैगी है ये किसी भी छोटी सट नाल टुट जाता है अलग हो जाता है जो अलग हो जाता है तुरना फिरना बंद हो जाता मरीज़ मंजे पर पै जाता है इनू जे पेशेंट की उम्र 55-60 तो थले हैगी है असी पेच पा के या प्लेट पा के इनू जोड़ सकते हैं पर जे उम्र ज़्यादा हो फिर सारी गोली या पूरा चूड़ा असी बदल सकते हैं जिन्हों हिप का बदलना कहने है असं इस तरह जे फ्रैक्चर थोड़ा थले आ जाए वो असी उन्होंने भी प्लेट पा के या स्क्रू पा के असी या रॉड पा के उन्हों जोड़ सकते हैं तो पेशेंट नू सैकेंड थर्ड डे दूसरे दिन असी पेशेंट नू खड़ा करके तोर सकते हैं। ये बहुत नवी डिवेलपमेंट्स है ने जिहड़े पेशेंट्स की पहला टुटन करके मंजे पर पैंदे सीगे हुण मंजे पर पैण की लोड़ नहीं हैगी पेशेंट सैकेंड थर्ड डे पेशेंट खड़ा हो सकता है तो तुरना फिरना शुरू कर सकता है। डॉक्टर साहब जी तुसीं रॉड की गल की हैगी आ ये तो बिल्कुल ही एक नॉन ब्लड जिहड़ा शेडिंग प्रोसीजर हैगा और वह भी तुसीं इत्थे नाल कर रहे हो और गोली दे अगर आपां बदलना गल कर लईए लोगों को कई बार इदां लगता कि बजुर्ग साढ़े पता नहीं कट वड होगी चूल्हे बदलने का मतलब पता नहीं ब्लड शेडिंग होगी की कहना चाहोगे कि अज तुसीं ऐसियां जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोले चीज़ा ने जिन्हां दे नाल कि उन्हां बंदियां नूं जिहड़ा हैगा वो बहुत ही घट जिहड़ा हैगा पेनफुल ने और वधिया उहदा इलाज है। हाँ जी तुसीं बिल्कुल सही दस्सिया जी ये क्योंकि ये सारे ना बहुत छोटे इंसीडेंट असीं प्रेशन करते हैं नॉन इनवेसिव सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाती हैगी है जी असीं बिल्कुल पेशेंट नूं ब्लड लॉस नहीं हुंदा हैगा जे पेशेंट का ब्लड पहला ठीक हैगा ऑपरेशन तो पहला उन्हों ब्लड की लोड़ नहीं पैंदी मोस्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब नाल नाल जिदा तुसीं स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बहुत ही वधिया डॉक्टर मने जाते हो और लोग दूरों दूरों पेशेंट जिहड़े ईवन जिहड़े आर्थोपैडिक्स सर्जनस ने वो भी कई बार तुहानू मतलब रैफर करते हैं भी डॉक्टर विंदर जी को चले जाओ की कहना चाहोगे कि यह लंबा तजर्बा तुहाडा जिहदे च तुसीं स्पोर्ट्स इंजरी वाले सैकड़ों की गिनती च पेशेंट्स नूं एक नवीं जिंदगी दित्ती। हाँ जी क्योंकि अजकल लोग बड़े हैल्थ कॉन्शियस हो गए हैगे ने स्पोर्ट्स साढ़े काफ़ी आ गई है पंजाब ते सारे इंडिया विच ही सो सट्टा भी लगदी हैगियां ने गोडे सट्टा मोढ़े दी सट्टा हिप दी सट्टा सो ये सट्टा मोस्टली असीं दूरबीन नाल ठीक कर सकते हैगे आ गोडियां दीआं गिट्टियां दीआं हिप दीआं शोल्डर दीआं कूनी दीआं वो सट्टा मोस्टली अजकल असीं आर्थोस्कोपिक नाल जिवें दूरबीन नाल कहने हैगे आ वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर की कहना चाहोगे कि गोडे पाउन के नाल यह नहीं कि तुहाडे मसल च भी जान आ गई मसल तो तुहानू फिर एक्सरसाइज करनी पऊ यह नहीं तुसीं गोडे पा ले फिर कह देने डॉक्टर माड़ा जदों साल खो जांदा गोडे पाया नू एक्सरसाइज तुसीं करदे नहीं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करदे मसल तुहाडे बजुर्ग बुढ़ापे कारण या बीमारियों के कारण वीक होईयां हुंदियां तो उन्होंने लगता पता नहीं डॉक्टर कि वह मिसकनसैप्शन जिहड़ियां हैगियां समाज दे विच फैलाउण लग शुरू कर देंदे आ मैं भी बदलाए सी देख ला मेरा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलिया की कहना चाहोगे कि गोडे बदलाव के नाल नाल सानू अपना जीवन शैली अपना स्टाइल है जो लिविंग का वो भी बदलना पेगा। हाँ जी बिल्कुल आप जे कही कि जोड़े मसल्स ने अपने गोडिया के पेट्रोल आप नवी कार ले लीए बिच पेट्रोल ना पाइए तो कार थोड़ी चलूगी इस तरह जब एक्सरसाइज नहीं करा असी तो अपने जॉइंट्स काम नहीं करे घट काम करे सो ऑपरेशन तो पहला तो ऑपरेशन तो बाद वर्जिश गोडिया के मसल्स की बहुत जरूरी हैगी है कामयाबी सूँ ता ही मिलती हैगी है जे पेशेंट सा कोऑपरेट करे जिमें पेशेंट को समझाइए उस तरह एक्शन करे वर्जिश करे लगातार कई महीने करनी पैंती हैगी है तो मसल द्वारा फिर अपनी ताकत आ जाए कोई कला ऑपरेशन करना इन्ना बड़ी गल नहीं होंगी ना जो टीम वर्क होंगे है जिस तरह पहला भी दस्या एक बार मैं टीम वर्क बहुत जरूरी होंगे है पेशेंट नूं तुसीं ऑपरेशन तो पहला उहदी मैडिकल फिटनेस एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने देखना हुंदा है की एडवाइस करनी हैगी आ ये बहुत जरूरी हैगा है पेशेंट नूं पोस्ट ऑप केयर बहुत जरूरी है नर्सिंग केयर फिजियोथरेपी आईसीयू केयर समटाइम्स
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਲਡਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ, ICU ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਲ ਓਬਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੰਕ ਫੂਡਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-55 ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ, ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਫੈਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਓਬੇਸਟੀ ਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਟਾਪੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।